हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ लाइफ को। स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ क्या होती है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कहीं ना कहीं लॉन्ग में, शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव में, लास्ट भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और तमाम बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा लॉन्ग में आता है। तो चलो बच्चे, इसको स्टार्ट करते हैं। आपने लेक्चर को पूरा देखना है और अपनी राय जरूर देनी है कमेंट के अंदर कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई सिंगल पॉइंट भी आपको मुश्किल लगे, कोई डिफिकल्टी हो, तो जरूर कमेंट में बताया करें ताकि नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव किया जा सके और ज्यादा आसान तरीके से आप तक नॉलेज को डिलीवर किया जा सके। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ बेसिकली, इसके इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी जो प्रेजेंट अमाउंट है उसका हाफ बाकी बचता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडिएशंस को इमिट करता है और इमिट करने के बाद किसी और न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। बेसिकली वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई था जो कि अब स्टेबल में चेंज हो चुका, यानी एक एटम से दूसरे एटम में यूं मान लें चेंज हो जाता है। ओके, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी आपको बता देता हूँ, वो न्यूक्लियस जिसके अंदर 82 से ज्यादा प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करते हैं और रेडिएशंस को इमिट करने के बाद एक स्टेबल न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखें, हमारे पास वो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बाकी बचता है, उस लाइफ को हम, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। ये उस एलिमेंट की हाफ लाइफ होती है। क्या है हाफ लाइफ? वो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बाकी बचता है, यानी अपनी मौजूदा मिकदार का आधा बाकी बचेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी हाफ लाइफ बोलेंगे। बच्चों, इसको समझने के लिए हमने ग्राफ भी बनाया हुआ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि जो इसका डिके होने का जो रेट होता है ना, यानी कितनी स्पीड से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, कितने मिकदार के अंदर इसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जितने ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे उतना ज्यादा स्पीड के साथ ये डिके होगा, जितना इसका इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियाई कम होंगे अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उतनी इसकी जो स्पीड होगी डिके होने की वो भी कम होगी। तो बच्चे इसको समझते हैं साथ साथ, पहले आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। हमारे पास रेडियम है 226, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 1620 ईयर्स है, इतने साल के बाद वो अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बाकी बचता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक ग्राफ से, ग्राफ में हमारे पास जो ये चीज है, ये जो साइड आपको वर्टिकल नजर आ रही है, ये इसकी अमाउंट है, अमाउंट को यानी कितनी अमाउंट है इस वक्त इसकी, जो कि यू समझ लें कि बाकी जिसने भी डिके होना है, ये वो अमाउंट है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो कि अनस्टेबल है। और ये जो है ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन या हाफ लाइफ कह रहे हैं आप, हाफ लाइफ। तो बच्चों हमने एक सैंपल लिया है, वो सैंपल कितना है जी, एन उसको कह देते हैं, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है एन। और क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है हाफ लाइफ रेडियम 226 की वो होती है 1620 ईयर्स, तो क्या होगा 1620 ईयर्स के बाद ये अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बाकी बच जाएगा। यहां देखें ये पूरा था बॉक्स कलर्ड, अब यहां पर हाफ जो है वो डिके हो चुका है, हाफ बाकी बचा है, यानी ये स्टेबल में चेंज हो चुका है, ये अब रह गया अनस्टेबल। तो अब इस दौरान जो जो कि डिके हुआ है, तकरीबन 50% जो इसकी अमाउंट थी वो डिके हो चुकी है, इस बॉक्स के अंदर मौजूद जितना भी रेडियोएक्टिव मटेरियल पड़ा था उसका आधा डिके हो चुका है, यानी 50% इसमें डिके हुआ है। ओके, अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि नेक्स्ट 1620 ईयर्स में ये खत्म हो जाएगा, नहीं, अब इसकी प्रेजेंट अमाउंट ये है। अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट हाफ लाइफ यानी 1620 में 1620 प्लस करें तो 3240 ईयर्स बनते हैं, यानी सेकंड हाफ लाइफ तक क्या होगा, ये अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बाकी बचेगा। प्रेजेंट अमाउंट कितनी थी, इतनी, उसका हाफ ये देखें आप, इतना डिके हो गया, ये बाकी बच गया। तो अब अगर देखा जाए कितने परसेंट डिके हुआ टोटल अमाउंट का, तो अब टोटल अमाउंट का ये सिर्फ 25% डिके हुआ है। ओके, अब एक और हाफ लाइफ गुजरी जो थर्ड हाफ लाइफ आई, उसमें 1620 ईयर्स और ऐड किए प्रीवियस में, तो बना 4860। अब ये थर्ड हाफ लाइफ है बच्चों, थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, जो इसकी टोटल अमाउंट थी उसका भी हाफ डिके हो गया यहां पर। तो अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर ग्रेजुअली एक डिक्रीज आ रहा है, देखें जैसे जैसे इसकी मिकदार कम होती जा रही है अनस्टेबल न्यूक्लियाई की,
तो वैसे वैसे जो डिके रेट है वो भी कम होता जा रहा है। जब ये पूरा फुल था तो 50% डिके हुआ, सेकंड हाफ लाइफ में 25% डिके हुआ, थर्ड हाफ लाइफ में 12% डिके हुआ और फोर्थ हाफ लाइफ में 6.25% डिके हुआ। तो आपने यहां से ये बात नोट की होगी कि जैसे जैसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई की अमाउंट कम होती जाती है वैसे वैसे इसकी डिके होने की स्पीड भी कम होती जाती है। 50% डिके हुआ, सेकंड हाफ लाइफ में 25% डिके हुआ, नेक्स्ट में 12.5% डिके हुआ, उसके बाद 6.25% डिके हुआ। तो क्या होता है जी हमारे पास ये, इसलिए हमने यहां पर लिखा था रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जितने ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई उतनी ज्यादा स्पीड से डिके होंगे, जितने जैसे इसकी अमाउंट कम होती जाती है वैसे वैसे डिके रेट भी कम होता जाता है। तो बच्चों इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को आप समझ चुके होंगे। ओके, अब ये देख ले हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो एन थी। तो फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन है, जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आधा बाकी बचेगा। देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो इसका हाफ क्या होता है, 0.50 न्यूटन, सॉरी एन। ओके, अब नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो क्या हुआ, अब 0.50 का हाफ रहेगा, 0.50 अब इसकी अमाउंट है, अब इसका हाफ रहेगा 0.25। नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो इसका हाफ यानी 0.12 एन, तो इतना बाकी बचे। तो बच्चों आपने देख लिया हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन है जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ बाकी बच जाता है, बस इतना सा काम है ये। तो आपने ये बात समझ ली। अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन को कि किस तरह से हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। बुक में पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो बच्चों हमने पैराग्राफ की बजाय इसको लिखा है डेरिवेशन की फॉर्म में। डेरिवेशन याद करना भी आपके लिए आसान होगी, ऐसे चुटकियों में आपको समझ आएगा और इसका जो फॉर्मूला डेराइव हुआ वो कैसे वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, हमने फिर अगेन एक ग्राफ बनाया, इसके अंदर जो टोटल अमाउंट है ना आपकी, जब से आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया जो अमाउंट आपने ली वो है एन आर, टोटल अमाउंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। और ये जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसके ऊपर आएंगे, यानी टाइम आएगा इसके ऊपर और अमाउंट आएगी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। ओके बच्चों, होगा क्या कि एन नॉट इसकी टोटल अमाउंट थी, फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, टी इज द हाफ लाइफ, एन नॉट टोटल अमाउंट, एन क्या है वो अमाउंट जो हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी बचती है, वो अमाउंट जो बाकी बचती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो बाकी अमाउंट बची है ना उसको हम एन से शो करते हैं। एन नॉट क्या है, इसकी टोटल अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में ली थी वो एन नॉट है। ओके, तो बच्चों क्या होगा जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ बाकी बचेगा 1/2 एन नॉट। ओके, सेकंड हाफ लाइफ में क्या होगा, उसका आधा बाकी बचेगा, यानी 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4। थर्ड हाफ लाइफ में उसका आधा यानी 1/4 का हाफ क्या होता है 1/8। और फोर्थ हाफ लाइफ में क्या होगा, उसका आधा यानी 1/8 बचा था बाकी, अब उसका हाफ होगा कितना 1/16 नॉट। तो बच्चों हमने दो बातें याद रख ली, एक एन नॉट क्या है टोटल अमाउंट, एन क्या है वो अमाउंट जो हाफ लाइफ गुजरने के बाद बाकी बचती है, ठीक है, और टी क्या है हाफ लाइफ। ओके, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी कितनी होगी, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट हाफ लाइफ उसको हम एन से शो कर रहे हैं कितनी होगी। बच्चों एन टोटल अमाउंट था तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितनी बची है 1/2 एन, यहां पर लिखा 1/2 एन। अभी इसको आप नहीं समझे, पहले यहां तक समझे ये क्या हुआ इसको बताता हूं मैं आपको। ओके, फिर सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, तो क्या है सेकंड हाफ लाइफ गुजरी तो कितनी होगी, ये सेकंड हाफ लाइफ है, कितनी अमाउंट बची 1/4 ऑफ एन नॉट, तो लिखेंगे इसका हाफ 1/4 एन नॉट, क्योंकि ये अब बाकी थी, इसका हाफ कितना होता है 1/4 एन नॉट। ओके, थर्ड जो हाफ लाइफ है उसके बारे में लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, इसको एन से शो करते हैं हम, तो क्या लिखा 1/8, क्योंकि 1/4 का हाफ होता है 1/8 ऑफ एन नॉट, ठीक है, ये बची हमारे पास। अब हमने इससे क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव करना है, क्या अगर हमें ये पूछा जाए 50 हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट बची रहेगी तो क्या हम ऐसे खेलते रहेंगे, इसको एक बार डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया फिर 2 से डिवाइड किया, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपसे बात पूछा जाए कि 100 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें सिर्फ हम वैल्यू पुट करें कि इतनी हाफ लाइफ होगी बताओ कितनी अमाउंट बाकी है तो फौरन से हमें आंसर मिल जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 ऑफ एन नॉट लिखा हुआ है, आप लिखे 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 या 2a की बात, मैं 1/2 की पावर 1 लिख देता हूं इसको साथ में n नॉट। ओके, सेकंड हाफ लाइफ में कितनी बची थी 1/4 ऑफ n नॉट, तो मैंने 1/4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2, ये 4 था लिखा 2 की पावर 2, हम ऐसा लिख सकते हैं।
जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरी तो 1/8 एंड नॉट बाकी बचता है। तो 8 क्या है हमारे पास, 8 to 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, लिखा 2 की पावर 3। तो अब हमारे लिए इसको गेस करना आसान होगा। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जब फर्स्ट हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बाकी बचेगा, तो आएगा 1/2 की पावर 1 × n₀। जब सेकंड हाफ लाइफ की बात करेंगे 1/2 की पावर 2 × n₀। जब थर्ड हाफ लाइफ की बात की तो क्या बचेगा, 1/2 की पावर 3 × n₀। अब यहां से हमें फौरन से गैस हो गया कि अब हम आसानी से रिलेशन बना सकते हैं, चाहे जितनी भी हाफ लाइफ हमें बताई जाए हम बताएंगे कैसे। जब वो फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करता है तो 2 की पावर 1 आ रही है, बाकी सब कुछ सेम है। जब वो सेकंड हाफ लाइफ की बात करता है तो 2 की पावर 2 आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। जब वो थर्ड हाफ लाइफ की बात करता है 2 की पावर 3 आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो बच्चों कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रही है, 2 की पावर। फर्स्ट हाफ लाइफ में 2 की पावर 1 आएगी, सेकंड हाफ लाइफ में 2 की पावर 2 आएगी, थर्ड हाफ लाइफ में 2 की पावर 3 आएगी। इसका मतलब ये कि जितनी आपके पास हाफ लाइफ गुजर चुकी है उसके बाद आप अमाउंट जानना चाहते हैं तो उतनी आप 2 की पावर कर दें। अगर मैं फर्स्ट करता हूं कि मुझे टी हाफ लाइफ के बाद कितनी रिमेनिंग अमाउंट बची, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 की पावर t × n₀। तो बच्चों इस तरह से हमें रिलेशन मिल गया जिससे हम बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि अगर हमें ये पूछा जाए कि 1000 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, बताओ अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, तो हम 2 की पावर या t की पावर क्या कर देंगे, 1000। तो 1/2 की पावर 1000 × n₀, यानी उसकी ओरिजिनल अमाउंट, तो हमें पता चल जाएगा बच्चों कि इस वक्त कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाकी बचा है। तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम इस तरह से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो बच्चों इसलिए लिखा m = 1/2 की पावर t × n₀। अब आपको पूछा जाए, बताओ जी 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी है या 10 हाफ लाइफ गुजर चुकी है, बताओ रिमेनिंग अमाउंट कितनी है बाकी। तो रिमेनिंग अमाउंट को n से शो करते हैं, = 1/2 की पावर t × n₀। तो t की जगह लिख देना 10। अगर पूछे 5वीं हाफ लाइफ के बाद कितना बचा है तो t की पावर 5 लिख देना, 2 की पावर 5। अगर पूछे 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा है तो लिखेंगे t की जगह 10। तो बच्चों इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, टॉपिक समझ ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा मुझे।